भीड़ आखिर भीड़ होती है और ज्यादातर तमाशा ही देखने का काम करती है। इसका एक ताजा उदाहरण छतरपुर से सामने आया है, जहां हादसे में घायल सड़क पर पड़े एक बच्चे को हाथ लगाने से लोग कतराते रहे। सभी समझते रहे कि हादसे में बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी एक बार छूकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चे की सांसें चल रही हैं। लेकिन तभी पुलिस अपना फर्ज निभाने घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे को देखा। पता चला कि हादसे के बाद बच्चा बेहोश हुआ है और सांसें चल रही हैं। पुलिस तत्काल ही बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची और भर्ती करवाया। किस तरह का सर मामला सामने, एक बच्चे की मौत की खबर मिली थी, क्या था? बमीठा में चेकिंग के दौरान मुझे सूचना मिली कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक कार बच्चे को हिट करके भागी है और बच्चा मृत हो गया है। तो मैंने वहाँ जाके चेक करना उचित समझा। वहाँ जाने पर बच्चा जीवित प्राप्त होने पर मैंने उसे अपनी इंटरसेप्टर गाड़ी में लिटाया और उसे लेके सीधे जिला हॉस्पिटल छतरपुर लेके आया। कैसे पता चला आपको, लोग वहाँ पर मृत समझ के खड़े हुए थे? हाँ, भीड़ लगी हुई थी, मैं गया वहाँ, एक दो लोग और थे, मैंने बोला चेक करो। कैसे चेक किया आपने, कैसे पता चला आपको? बच्चा एक्सीडेंट के बाद शायद बेहोश हो गया था, इसलिए हिल नहीं रहा था। जब गए हमने उसको थोड़ा टटोला तो वो जीवित सांस लेता पाया गया। आपने खुद में उठाया? उठा के मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया, लेटाया और उसको लेके आ गया। दरअसल मामला हिट एंड रन का है, जहाँ एक नाबालिग बच्चे को कोई अज्ञात वाहन जोरदार टक्कर मारकर चला गया था। बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा रहा। लोग उसे मृत समझकर पुलिस के आने का इंतजार करते रहे। घटना बमीठा चंद्रनगर के बीच की है। खजुराहो ट्रैफिक प्रभारी शारदा प्रसाद यादव को घटना की सूचना लगी तो वे तत्काल मौके पर पहुंचे। 7 साल के जिस बच्चे को लोग मृत बता रहे थे वो जीवित था। शारदा प्रसाद ने गंभीर घायल बच्चे को सड़क पर से गोद में उठाया और अपने इंटरसेप्टर गाड़ी में रखकर 40 से 45 किलोमीटर का सफर तय करके छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि इस दौरान 15 मिनट में करीब 45 किलोमीटर का सफर तय करके बच्चे को बचाया गया। ट्रैफिक प्रभारी ने लगभग 100 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई और समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बच्चे को कुछ और देरी से पहुंचाया जाता तो कुछ भी हो सकता था, लिहाजा घायल बच्चे का इलाज चल रहा है और हर कोई ट्रैफिक प्रभारी के इस काम की प्रशंसा कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।